नमस्कार। राशन तो कांग्रेस के शासनकाल में भी मिलता था, लेकिन पूरे कांग्रेस के शासनकाल में भारत देश में किसी भी सिंगल व्यक्ति की पिटाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि उसने कांग्रेस का राशन लेकर कांग्रेस को वोट नहीं दिया। भारत में पहले लोग सरकारी योजनाओं के जरिए मिलने वाली चीज़ों को अपना अधिकार समझते थे। घर पहले भी मिलते थे, इलाज पहले भी मिलता था। बीजेपी सरकार ने 99.9% कांग्रेस की ही योजनाओं के नाम बदलकर या उसी नाम से आगे बढ़ाई हैं योजनाएं। बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल में बदला क्या है जानते हैं आप? बदला है नजरिया। जिन योजनाओं को कल तक देश के नागरिक अपना अधिकार समझते थे वो योजनाएं अब एहसान में बदल गई हैं। राशन मोदी का खाते हो तो वोट भी मोदी को देना पड़ेगा, ये समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। जो नहीं समझ रहा है उसको डंडों के जोर से समझाया जा रहा है। ये देखिए, यूपी के बरेली में दो होमगार्ड्स यानी पुलिस के दो साथी एक व्यक्ति को इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने बीजेपी सरकार के दौरान मिलने वाला राशन तो लिया लेकिन ये बीजेपी को वोट नहीं देकर आया, इसीलिए पुलिस के सहयोगी होमगार्ड्स ने इसकी पिटाई कर दी है। मार खाने वाला चौकीदार है, मारने वाले होमगार्ड्स हैं। ये वीडियो है बरेली के एसडीएम कार्यालय परिसर का, जहां पर दोनों होमगार्ड्स ने लात घूसों और राइफल की बटों से बेचारे चौकीदार की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। ट्रेन के भीतर पुलिस वाला बहस के बाद खोज खोज कर दाढ़ी वालों को मारता है। एसडीएम कैंपस में होमगार्ड चौकीदार को इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि चौकीदार ने सरकारी राशन लेने के बाद भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। 10 साल में ही देश के लोग ब्रेन वॉश ज़ॉम्बीज़ में बदल गए हैं दोस्तों। मोदी सरकार से पहले कभी भी लोग इस तरह से मरने मारने के लिए तैयार नहीं हो जाते थे। सरकार से राशन लेकर वोट बीजेपी को ही देना है, ये किसने बताया जानते हैं आप? ये सोच कहां से डेवलप हुई उसको भी आपको जानना चाहिए। ये सोच डेवलप की गई है सुप्रीम लीडर के द्वारा। मोदी राशन दो हमें फिर दोबारा कहां माने, मोदी राशन दो हमें। मार खाने वाले चौकीदार का नाम वीरेंद्र है, दोनों होमगार्ड्स के नाम रामपाल और वीर बहादुर है। SC ST एक्ट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये मुकदमा SC ST की धाराओं में नहीं दर्ज होना चाहिए। अब मोदी ने आगे बहुत बड़े बड़े बदलाव करने के लिए कह दिया है, तो डियर सुप्रीम लीडर जी, जब आप आगे संविधान बदलें तो उसमें एक गुलामी एक्ट जरूर बनाइएगा जिसमें यह घोषित कीजिएगा कि सरकारी योजनाओं को लाभ लेने वालों को बीजेपी को ही वोट देना कंपलसरी होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होने पर आपके नजदीक मौजूदा पुलिस या फिर पुलिस के साथी आपको पीट देंगे। चलते हैं, नमस्कार।